अंतिम संस्कार के 5000 बंद, किसानों का मुआवजा बंद, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद। अरे अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे, हवाई जहाज से भी चिंता मत करो। वो सब योजनाओं पर ताला डालने वाले थे, हमने हर योजना फिर से चालू कर दी। और इसलिए आज लंबी बात नहीं, कभी अनिल जी बता रहे थे देश बदल रहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, भव्य भव्य राम मंदिर का प्रतिष्ठा करने मोदी जी आ रहे हैं। राम मंदिर भी बनेगा, राष्ट्र मंदिर भी बने, देश भी बनेगा, लेकिन कांग्रेस कहीं आ गई, लेकिन अब ना रहेगी सब जाता, ये सब मामले करेगा। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सब अभी कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, बनेगा सब डूब जाएंगे। अरे कांग्रेसियों, मैं डैम नहीं बनाता, मैं तो पाइपलाइन बिछा के मोटर चला के पाइपों से पानी लाता हूं ताकि कोई ना डूबे। आओ मेरे बहनों और भाइयों, अब ये सरकार आगे बननी चाहिए कि नहीं, भारतीय जनता जीतनी चाहिए कि नहीं, बात और फिर से विधायक बनना चाहिए कि नहीं, आइए फिर संकल्प लीजिए कि ये चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगी, तुम जाओ हम जिता के भेजेंगे, इसका संकल्प लीजिए। बोलिए सब कमल के फूल के बटन दबाएंगे, बहादुर सिंह को जिताइए, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आसेंगे, उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। भारत माता की, भारत माता।